चंद्र प्रकाश जोशी, उम्र 41 साल, सदस्य स्थायी समिति रेलवे, निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान का चित्तौड़गढ़, बहस में हिस्सा 358, प्राइवेट मेंबर बिल 18, प्रश्न पूछे 394, सदन में उपस्थिति 98%। सदन में अपनी उपस्थिति व वाद विवाद में भाग लेने में चंद्र प्रकाश जोशी का स्थान आता है। पहली बार भाजपा से सांसद बने चंद्र प्रकाश जोशी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हैं। जोशी राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रभाग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। मैं उपाध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता हूं, किसान कर्ज में जन्म लेता है, किसान कर्ज में अपना जीवन गुजार देता है और कर्ज में ही वो मर जाता है। इस देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाला किसान आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। कभी खाद के लिए, कभी बिजली के लिए, कभी किसानों के ऋण चुकाने के लिए और कभी किसी समस्या के लिए, कभी समर्थन मूल्य के लिए, कभी बारिश के पानी के लिए वो इंतजार करता है कि कब बारिश का पानी आएगा और मैं अपने खेत को पानी पिलाऊंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज किसान के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी बात हो रही थी फसल बीमा योजना की, किसान क्रेडिट योजना की, इस देश की नदियों को जोड़ने की योजना की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनी और आज उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम हुआ। मेरे लोकसभा क्षेत्र में किसान फसल तैयार करता है और उस बनी बनाई फसल को एक नीलगाय आकर उसका समूह आता है और उसको समाप्त कर देता है। ये वो सांसद है जिन्होंने अपनी उपस्थिति और लोकसभा में वाद विवाद प्रश्न पूछने में अव्वल रहे हैं। अपने जनप्रतिनिधि होने और लोगों की आवाज को उठाने में इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।